नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई होम्योविजन में। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स, और यही कारण है प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। मेरे सामने भी फीडबैक आया हुआ है, एक पेशेंट जो कई सालों से परेशान थे, उनको ये भी नहीं मालूम था कि उनके प्रॉब्लम क्या है। जनरली ये सेक्सुअल प्रॉब्लम जितनी भी होती है टैबू होती है। मैंने क्यों सेक्स समाधान आपके सामने ये चैनल इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि लोगों को मालूम चले कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम को जब तक हम प्रॉब्लम मानेंगे, प्रॉब्लम एक डॉगी के समान होती है। आप जब तक भगते रहोगे डॉगी आपके पीछे भगता है, और जैसे ही आप उसको डॉगी को नकार देते हो, चिल्ला देते हो, प्रॉब्लम डॉगी रूपी प्रॉब्लम होती है, वो भाग जाती है, डॉगी भाग जाता है। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हमारे सामने अभी बैठे हुए अंकुश जी, अंकुश जी को प्रॉब्लम थी कि इनका सेंसिटिव ग्लैंड था। मैं ग्लैंड की बात कर रहा था, ये होता है पीनस, ये होता है हेड पार्ट, और ये पार्ट इनका बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। अंकुश जी कई सालों से समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम तक हो गई, इनकी मैरिज हुई, इनकी इनकी बोलते वैवाहिक जीवन खराब होने लगा, क्योंकि इनका शीघ्र पतन हो जाता था, इनका लिंग में ढीलापन आ जाता था। इनको लगता था कि ये नपुंसक है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ये पार्ट इनका सेंसिटिव था, और सेंसिटिवनेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, हाइपर सेंसिटिव। और मैं अभी अंकुश जी से दो चार सवाल करूंगा। इनका कहना था कि सर मैं अपने वीडियो को हिडन रखना चाहता हूं, मगर मैं लोगों तक भी जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, हम वीडियो में इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। अंकुश जी, आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती थी, क्या कैसा लगता था आपको, क्या प्रॉब्लम लगती थी आपको? सर मुझे ये लगता था कि पेनिस में जब भी जैसे गुदगुदी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता था, तो जब भी जैसे ये स्किन टच होता था अंडरवियर से, तो बहुत ज्यादा गुदगुदी होती थी और सेंसिटिव बहुत एरिया रहता था। देखो बेटा, सेंसिटिव ये पार्ट सेंसिटिव था ना आपका, जी, तो जी। ये पार्ट जो सेंसिटिव था, इसकी वजह से ही आपको वो एकदम करंट टाइप का सेंसेशन आता था। आपको ऐसा लगता था कि एक बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चड्डी में टकरा रहा था। तो यही सेंसिटिविटी आप क्या करते थे बेटा, बचपन से मास्टरबेट करते थे। जब आप मास्टरबेट करते थे तो आप ऊपर ऊपर से मास्टरबेट कर, आपका आप बेटा लेट के भी, आपने मुझे बताया, मुझे याद है मैं हिस्ट्री में, आप बोलते मैं उल्टा लेट के मास्टरबेट कर, जब उल्टा लेट के मास्टरबेट करते तो आपका जो ऊपर की जो ग्लैंड्स थी, जिसको बोलते ना ये वाला पार्ट, ये तो छुपा हुआ था, क्योंकि ये प्रिप्यूज होता है, इसको बोलते ना फोर स्किन, ये फोर स्किन से ढका हुआ था। जब ये ढका हुआ था तो अंदर अंदर सेंसिटिविटी बनती गई, क्योंकि वीर निकलता था, वीर अंदर ही अंदर फंगल इन्फेक्शन करता था। ओवर सेंसिटिवनेस क्यों हुई, क्योंकि हमने कभी स्किन को पीछे करा ही नहीं, तो यही कारण था बेटा जिसकी वजह से आपको ये हाइपर सेंस। और आप जो मास्टरबेट भी करते थे, और मैक्सिमम लोग जो मास्टरबेट करते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि स्किन पीछे हो रही है कि नहीं, और यही कारण है कि ऊपर ऊपर से मास्टरबेट करते हैं। और यही कारण है कि जब शादी करता है इंसान तो उसको आदत हो जाती है मास्टरबेट करने, और उसको प्रेस करने की आदत हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रोन मास्टरबेशन। जब वो प्रेस करता है तभी उसको इरेक्शन आता है। तो ये दो कारण थे, हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स तो था ही, साथ में प्रोन मास्टरबेशन भी कारण था शीघ्र पतन का रिटर्न। और बेटा, और आपको क्या, आपको शादी अभी आपकी हो गई है, क्या शादी के बाद आप संभोग कर पाए बेटा? ये थोड़ा दिक्कत रहता था, टाइमिंग कम था, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था, और तनाव नहीं रहता था। अच्छा, टाइमिंग भी कम था, मैं जो बता रहा था कि तनाव भी आपका कम था बेटा, और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था। क्या संभोग करने से पहले डिस्चार्ज होता था कि संभोग करने के बाद होता था? वही जल्दी, एक मिनट में ही हो जाता था। अच्छा, मतलब यानी आप एंजॉय नहीं कर पाते थे फोरप्ले भी जब आप करते थे, या आप इंटरकोर्स करने के बाद आपका डिस्चार्ज, उसका भी कारण था कि ये पार्ट आपका हाइपर सेंसिटिव है। और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए एक प्रॉपर कोर्स होता है, एक्सरसाइज होती है, हम लोग कुछ आपको एनहेंस क्रीम देते हैं, जिसको आप क्रीम को जब रेगुलर इस तरीके से हल्का हल्का, बिल्कुल तेजी से नहीं, हल्का हल्का जब आप इसको मसाज करते हैं तो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसके लिए एक ऑयल भी देते हैं, वैसे जनरली जैतून का तेल बहुत अच्छा रिकमेंड करता हूं मैं, जैतून का तेल इससे बोल रहा हूँ, ऑलिव ऑयल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नारियल का तेल भी लोग यूज करते हैं, जैतून का तेल भी यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं मेडिसिन पार्ट की, तो देखिए आपकी बॉडी है, आपके सिम्टम्स मेरे पास हैं, आपने मुझे बताया मास्टरबेशन की हिस्ट्री थी, आपने मुझे बताया सर प्रोन मास्टरबेशन था, आपने मुझे बताया कि नाइटफॉल भी होता था, और आपने मुझे बताया कि संभोग अभी तक भी प्रॉपर नहीं हो पाया है। तो इसके लिए मैं तीन मेडिसिन बताऊंगा बेटा, मेजिकल मेडिसिन। सबसे पहली मेडिसिन, जो बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन है, कैलेडियम। जैसे आपने बताया तंबाकू भी खाते थे बेटा, गुटखा भी लेते थे, करेक्ट बेटा? जी। तो तंबाकू गुटखा ये सब खाने की वजह से भी हम लोग सिम्टम मैच करते हैं, सिम्टमेटोलॉजी पे काम करते हैं। कैलेडियम इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन, 200 पोटेंसी, बहुत अच्छी हाई पावर में रहती है, इसको दो दो बूंद, चार चार बूंद तक ले सकते हैं दो बार। ये आप एक महीने तक में, एक महीने बाद अगर आपको लगता है सेंसिटिविटी कम हो गई है तो इसको बंद कर दें, और नहीं लगता तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मगर किसी कुशल चिकित्सक, जैसे आपका केस में ले रहा हूं, मुझे मालूम है आपके सिम्टम के, आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास, अगर जो वीडियो मेरा देख रहे हैं नजदीकी डॉक्टर के पास है, उनके सिम्टम्स उनसे नोट करवाएं, केस चेकिंग के बाद वो आपको बताएंगे। सेकंड मेडिसिन आती है सिनेवेरिस। सिनेवेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इचिंग होती है, सेंसिटिवनेस आती है, रेडनेस आती है, ऐसी कोई भी स्किन की कंडीशन, या फिमोसिस होता है, चमड़ी पीछे नहीं हो रही,
बहुत अच्छा काम किया। 3x पोटेंसी भी डॉक्टर रेक्वेक की ले लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और इसको भी 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक में भी शीघ्र पतन, लिंग में छोटापन या ओवर सेंसिटिव ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन है मर्क आयोड। मर्क आयोड मतलब इसमें रेडनेस भी आ जा सकती है, हाइपर सेंसिटिव बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, इचिंग भी हो सकता है। मर्क आयोड और काली आयोड ये दोनों मेडिसिन ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। एक लास्ट मेडिसिन और बताऊंगा, एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ग्लैंड सेंसिटिविटी के। तो देखिए यही पार्ट हमारा अगर सेंसिटिव रहेगा तो कैसे हम प्रॉपर संभोग कर पाएंगे। तो इसको डरकर नहीं, ये आज मैं खुले किताब है, आज सब कुछ मैं बता रहा हूं आपको, आज आपके वीडियो भी आप ही कंसेंट पर बैठा मैंने वीडियो बोला, क्योंकि आज लोगों तक जानकारी मिलेगी। क्योंकि लोग सोचते हैं व्याघ्रा खा के हम काम चला, व्याघ्रा खा लेंगे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, आपको मालूम है व्याघ्रा का रोल क्या है, मगर वो व्याघ्रा कब तक काम करेगी, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपकी अपनी प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व होनी चाहिए बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी चीजें जो मसाज आपको बताइए, एक्सरसाइज बताइए, फॉलो करेंगे बेटा? यस जी सर करूंगा। तो बहुत ही मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप सभी व्यूअर्स के भी काम आएगा, हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स जिसकी वजह से शीघ्र पतन, जिसकी वजह से लिंग में ढीलापन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और ये एक परफॉर्मेंस एंजाइटी बन जाती है दोस्तों। परफॉर्मेंस एंजाइटी हजारों पेशेंट्स को है और वो समझ भी नहीं पाते, वो चले जाते हैं लोकल वेद के पास, नीम हकीम के पास, और वो उनको मिसगाइड करते हैं, या फिर किसी सर्जन के पास चले जाएंगे तो वो उनका पर्पस ही सॉल्व नहीं हो पाता कि वो किस डिपार्टमेंट में दिखाएं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और साथ में अगर हमसे सजेशन लेना चाहे हमारा हेल्पलाइन नंबर 9893888001, हमारी वेबसाइट www.bestsexualwellnessdoctor.com, और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी भी इंडिया नहीं पूरे विश्व में किसी भी कोने में हम आपकी सहायता करेंगे, आपको एक प्रॉपर डाइट देंगे, आपको हाइजीन बताएंगे कैसे उसको रोज क्लीन करना है, साबुन लगाने की जरूरत है, नॉर्मल गर्म पानी से उसको क्लीन करें, और साथ में हम आपको डाइट चार्ट भी देते हैं, क्योंकि मसालेदार गर्म खाना या जो बाहर के आज बोलते हैं जंक फूड हो जाते हैं, जो बोलते हैं स्पाइसी फूड हो जाते हैं, आज लोग नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग, ये भी एक कारण है हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ने का। हम आपको डाइट चार्ट मुहैया कराते हैं, हम आपको एक एक्सरसाइज मुहैया कराते हैं, ठीक है, हर चीज आपको मसाज, इवन प्राइवेट एग्जामिनेशन करके हम आपको पूरा ये जो पार्ट आपका सेंसिटिव है इसमें कैसे मसाज करनी है हम पूरे तरीके आपको बताते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आप देखेंगे, और भी वीडियोस में मैंने ये बातें बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपके बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, और आने वाले जो लोग जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करा वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूरतमंद लोगों को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।